अक्षय शिंदेच्या शवविच्छेदनासाठी पोलिसांकडून कागदपत्राची प्रक्रिया ही पूर्ण झालेली आहे। पुढील 2 तासांमध्ये शवविच्छेदन प्रक्रिया होणार आहे। आम्हाला कागदपत्रे मिळताच पोस्टमॉर्टमची प्रक्रिया सुरू होईल, अशा प्रकारची प्रतिक्रिया डॉक्टर पल्लवी सापळे यांनी दिली आहे। अक्षय शिंदे याचा मृतदेह हा जे जे रुग्णालयामध्ये आणण्यात आलेला आहे आणि या ठिकाणी त्याच्या मृतदेहावरती शवविच्छेदन होणार आहे। या शवविच्छेदना संदर्भातील कागदपत्रांची संपूर्ण पूर्तता ही पोलिसांनी केलेली आहे आणि पुढील 2 तासांमध्ये हे शवविच्छेदन पूर्ण होणार असल्याची माहिती आता डॉक्टर पल्लवी सापळे यांच्याकडून समोर येते आहे। हॉस्पिटल आहे, पोस्टमार्टम कब शुरू होगा और इसमें कितने पैनल के डॉक्टर रहेंगे और किस प्रकार से पोस्टमार्टम? उनकी इंक्वेस्ट वहीं पे हुई है और फिर पुलिस स्टेशन बदलापुर मुमरा पुलिस स्टेशन की पुलिस बॉडी यहाँ ले आए हैं। तो अभी उनकी जैसे पेपर्स आ जाएंगे तो पोस्टमार्टम की प्रोसीजर शुरू हो जाएगी। हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, फोरेंसिक डिपार्टमेंट जनरली ऐसी डेथ रहती है जो कोर्ट ऑर्डर रहती है तो उसकी पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज में होती है और उन्होंने ग्रांट मेडिकल कॉलेज है जे हॉस्पिटल चुना है कोर्ट ने, इसीलिए ये बॉडी यहाँ आई है। और पोस्टमार्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर एक्सरे लगेगा तो पहले एक्सरे होते हैं और फिर पोस्टमार्टम प्रोसीजर होती है। तो कुछ अभी तक क्लियर नहीं हुआ कितने डॉक्टर की पैनल रहेगी जिसमें पोस्टमार्टम करेंगे? हमारे यहाँ ड्यूटीज डेली लगती है कि किसने करनी है और कितने डॉक्टर्स लगते हैं। कभी कभी रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, सुपरवाइज रहते हैं, कभी कभी सारे सीनियर्स रहते हैं। तो 3 डॉक्टर्स जनरली रहते हैं पोस्टमार्टम के लिए, इसमें भी 3 डॉक्टर्स जरूर रहेंगे।